दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों औरत के सोने के तरीके से जाने उसका चरित्र। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी औरत के सोने के तरीके से उसका चरित्र आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लड़कियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्हें बनाने वाला भगवान भी कभी उनके दिल की बात को नहीं पढ़ सकता। दोस्तों क्या वाकई लड़कियां इतनी रहस्यमय होती हैं या नहीं, या हम क्या कोई नहीं बता सकता है? लेकिन सामान्यतः उनके विषय में यही कहा जाता है कि उनके दिल में कब क्या चलता है और वह क्या सोचती हैं आदि जैसी बातों का जवाब खुद ईश्वर भी नहीं दे सकता। दोस्तों आमतौर पर यह माना जाता है, जो कि बहुत हद तक सही भी है, कि लड़कियां बहुत आसानी से अपने दिल की बात को दिल में दबा लेती हैं। वे अपनी भावनाओं को इस कदर छिपा लेती हैं कि जिस व्यक्ति को वह सबसे नज़दीक होती हैं उन्हें भी उनके दिल में क्या चल रहा है इस बात का पता नहीं लग पाता है। दोस्तों जब वाकई स्त्री इतनी रहस्यमय करती है तो ऐसे में इस बात का पता लगाना तो वाकई बहुत मुश्किल है कि उन्हें किस तरह के पुरुष पसंद आते हैं। खैर यह मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि अपने दिल की जो बात वो होश में नहीं बताती हैं वो बात आपको नींद में कह जाती हैं। तो दोस्तों चलिए आपको और ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस बात का पता लगाया जाए कि कोई लड़की अपने सोने के तरीके से किस तरह अपने दिल की बात कहती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको वीडियो के माध्यम से ये राज बताते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है सीधा सोने वाली लड़कियाँ। ऐसी लड़कियाँ जो सीधा तनकर सोती हैं, सोते समय ना तो उनके हाथ मुड़ते हैं और ना ही पैर, उन्हें अपने जीवन में संतुलन से बहुत प्रेम होता है। ये लड़कियां अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहती हैं, बड़े बड़े सपने सजोने वाली इन लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें डोमिनेट कर सकें। दोस्तों अगला पॉइंट है पेट के बल सोने वाली लड़कियां। उल्टा सोने वाली लड़कियां बहुत लापरवाह होती हैं, साथ ही काफ़ी डिमांडिंग भी होती हैं। उन्हें ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जो बात बात पर सरप्राइज दें। बोरिंग लड़कों को तो ये अपने पास भी फटकने नहीं देती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है बाई करबट पर सोना। दोस्तों जानकारों का कहना है कि बाई करबट लेकर सोना सबसे सही होता है। आपको नींद भी अच्छी आती है और सपने भी परेशान नहीं करते हैं। ऐसी लड़कियाँ जो आदतन बाई करबट पर सोती हैं बे परिवर्तन को सह रूप से नहीं अपनाती हैं। दोस्तों ऐसी लड़कियां बात करने में काफ़ी कुशल होती हैं, इन्हें नेतृत्व कर पाने में सक्षम लड़के पसंद आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है तकिए पर हाथ रखकर सोना। वे स्त्रियाँ जो चाहें किसी भी करबट सोएं लेकिन अपना हाथ तकिए पर रखकर सोती हैं, उनका स्वभाव काफ़ी गंभीर होता है। इन लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि ये बहुत जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सॉफ्ट टाई या तकिए को पकड़कर सोना। दोस्तों आपने सॉफ्ट टाई या तकिए को पकड़कर सोने वाली लड़कियों का स्वभाव बहुत चंचल होता है। इनकी अपनी एक अलग सपनों की दुनिया होती है जिसमें ये जीना चाहती हैं। इन्हें स्वभाव से केयरिंग और लविंग लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है चादर ओढ़कर सोने वाली लड़कियां। दोस्तों जो लड़कियां चादर ओढ़कर और तांधकर सीधे सोती हैं आप उन्हें घरेलू लड़कियां कह सकते हैं। ये परंपराओं में बंधी होती हैं और अपने जीवन में आने वाले लड़कों या पति से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख पाती हैं। इन्हें बिल्कुल साधारण लड़के पसंद आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सीने पर हाथ रखकर सोने वाली लड़कियाँ। दोस्तों बहुत ही कम लड़कियां इस तरह की पोजीशन में सो पाती हैं। ऐसी लड़कियां अपने परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित होने के साथ साथ काफ़ी ईमानदार भी होती हैं। इनके लिए परिवार की खुशहाली बहुत मायने रखती है। लड़कों के मामले में इनका दिल ऐसे लड़कों पर आता है जो दिखने में हैंडसम हों।
दोस्तों अगला पॉइंट है फैल कर सोने वाली लड़कियां। दोस्तों बहुत सी लड़कियों को फैल कर सोने की आदत होती है। ऐसी लड़कियां स्वभाव से निडर और बोल्ड तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ काफी केयरलेस भी होती हैं। ये बहुत अच्छी दोस्त साबित होती हैं। इन्हें स्वभाव से हंसमुख और ज्यादा रोक टोक ना करने वाले लड़के पसंद आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर दिल खोलकर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट स्टे फेयरलेस। जय हिंद।